ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो पृथु महाराज ने जब प्रजा को एक प्रकार से ये भरोसा दिलाया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनके फलों की प्राप्ति के लिए भी भगवान की संतुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनके फलों की प्राप्ति होगी। तो अब वो अपना निष्कर्ष, जो सारांश है, कंक्लूजन जिसे कहते हैं, अब वो समझाते हैं। तो कहते हैं, हे मेरी प्रजा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा भक्ति करके हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें। भगवान के चरण कमलों का आश्रय हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा। और वो कहते हैं वो बिल्कुल उस प्रकार से है जिस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करने से शरीर के और मन के सभी प्रकार के जो मल हैं, गंदगियां हैं, वो धुल जाती हैं। इसी प्रकार से इस प्रेम रूपी भक्ति की गंगा के द्वारा जो भगवान के चरण कमलों से निकलती है, व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में कितने भी पाप कर्म क्यों ना करे हों और अनेकों प्रकार की मन के अंदर में गंदगियां क्यों ना भरी हो, सब चीजों से उसको जो है छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण पृथु महाराज देकर के समझाते हैं। ये उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, वैदिक सभ्यता में तो हमें पता है, लोगों को गंगा नदी का महत्व पता था। आजकल लोगों को गंगा नदी का महत्व इतना पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि इतनी पवित्र नदियों को भी हम दूषित करते हैं। उसमें जो हमारे शहर की गंदगियां हैं, फैक्ट्रियों की गंदगियां हैं, वो हम उसमें छोड़ देते हैं। अन्यथा हम देखते हैं ऋषिकेश में, जहाँ से गंगा उद्गम होती है, गंगा का पानी तो अत्यंत शुद्ध है। और बताया जाता है कि महान ऋषिगण दिन प्रतिदिन नित्य उसमें स्नान करते हैं और गंगा का पानी ही वो अमृत की भांति पीते हैं और उनका स्वास्थ्य आरोग्य बिल्कुल सही रहता है, सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। तो जिस प्रकार से ये उदाहरण पृथु महाराज क्यों दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन गंगा के नदी में स्नान करने से हमारे पाप कर्म भी धुलते हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से ही गंगा निकली है, इसी प्रकार से जब हम भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति करेंगे तो उसी प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति में स्नान करके हमारे हृदय के अंदर में जो पूर्व जन्मों के
अनेकों पाप कर्म के बीज हैं, अनेकों प्रकार के मल हैं, गंदगियां जो भरी हुई हैं, वो सब से हमको जो है छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पूछ सकते हैं कि भाई आप तो ऐसा बता रहे हैं, क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है? लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई हम तो पापी हैं, अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हैं, और आप कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर लो और तुरंत जो है सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। हमने जाने अनजाने में इतने सारे पाप कर्म किए हैं, उसके फलों को हम लोग भुगत रहे हैं, आज हम लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना है, पाप कर्मों के फल हम लोग भुगत रहे हैं। तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, जितने भी पाप कर्म के फल हैं नष्ट हो जाएंगे। मतलब आगे का जो हमारा जीवन है वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता है हमारे पाप कर्म के फल आएंगे, कम से कम भविष्य में तो आएंगे, तो हमको क्या होगा उस समय अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। लेकिन पृथ्वी महाराज बता रहे हैं, जैसे गंगा नदी में रोज स्नान करने से हमारा तन भी और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है, भगवान की भक्ति गंगा में जो उनके चरण कमलों की प्रति की जाती है, उसमें हम लोग अगर अपना मन लगा लें तो उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म के फल हमारे धुल जाएंगे। तो हम लोग प्रश्न पूछेंगे कि भाई शास्त्रों में कहाँ बताया है ऐसा? भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं। गीता के अंत में भगवान सारांश बताते हैं गीता का, भगवान क्या कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम व्रजा। सभी प्रकार के हम लोगों ने अनेकों प्रकार के धर्म बना लिए, मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, भगवान कहते सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम व्रजा, मेरी एकमात्र अगर तुम शरण में आ जाते हो। भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो, तुम्हारे जितने भी पाप कर्म के फल हैं, भगवान कह रहे हैं अहम तुम्हारे, अहम त्वाम मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो जितने भी पाप कर्म हैं मोक्षयिष्यामि, उनसे मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करा दूंगा। मा शुचा, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी जगह भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। व्यक्ति जो है अपने पाप कर्मों से धुल करके तुरंत, क्षिप्रम का मतलब होता है बड़ी जल्दी, जल्द ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, दुरात्मा से धर्मात्मा बन जाता है। तो आज हो सकता है हम दुरात्मा हो अपने पाप कर्मों के कारण, लेकिन अगर भगवान की भक्ति को हम सही प्रकार से अपना लें तो हम दुरात्मा से महात्मा बन सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी बताया जाता है कि अगर हम जो प्रमाणिक गुरु हैं उनकी शरण सबसे पहले ग्रहण कर लें, क्योंकि भगवान की शरण हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती है, हमें भगवान की शरण जो है गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। भगवत गीता में भी भगवान को अर्जुन, जब उन्होंने भगवत गीता कब सुनानी प्रारंभ की, जब अर्जुन ने भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्नम, अर्जुन कहते भगवान अब मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, अब मैं आपका दोस्त मात्र नहीं हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम,
अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान ने भगवद गीता बतानी प्रारंभ की। तो इसी प्रकार से हम जब प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो दीक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या होता है आपको जान करके आश्चर्य होगा। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान शिपति। दीक्षा जो है दो शब्दों से बना है, दी और क्षा। तो दी का मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान। और क्षा का मतलब होता है शिपति। मतलब क्या है देखिए, जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रमाणिक गुरु हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे पाप करण क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब गुरु हमारे पाप कर्म को धो देते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्वयं उन पाप कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं और हम जो हैं पाप कर्म से रहित हो जाते हैं। तो ये जो है दीक्षा का मतलब होता है। मतलब क्या है, अगर हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, हमारे सारे पुराने पाप कर्म नल हो गए, जीरो हो गए। लेकिन अब हमारे ऊपर है, दीक्षा ग्रहण करने के बाद अगर हम लोग पाप कर्म करते हैं, फिर हमारे मन के अंदर में मैल बैठ जाएंगे, गंदगी भर जाएगी। वो क्या उदाहरण दिया जाता है, आपने देखा होगा, इसको कहते हैं हस्ती स्नान, हाथी का स्नान। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। हाथी कैसे स्नान करता है? हाथी नदी में जाता है, तालाब में जाता है और अपने सूंड के द्वारा बहुत बढ़िया स्नान करता है। जैसे हम लोग फुव्वारे के नीचे, झरने के नीचे, या हमारे घर में जो है हम स्नान करते हैं, उसके फुव्वारे के नीचे स्नान करते हैं, इसी प्रकार से ये क्या करता है, अपने सूंड के द्वारा पानी से अपने पूरे शरीर को धो लेता है। लेकिन हाथी क्या करता है, बाद में पानी से बाहर आने के बाद में, पानी से बाहर आने के बाद में मट्टी लेता है और अपने सारे शरीर पर छिड़क लेता है। मतलब उसने अच्छा स्नान किया, सुंदर स्नान किया, लेकिन बाहर आने के बाद में दोबारा शरीर के ऊपर गंदगी छिड़क लेता है, दोबारा गंदा हो जाता है। ये हमें नहीं करना है। ये कई धर्मों में ऐसा होता है, जैसे ईसाई धर्म में बताया जाता है, लोग जो हैं पूरे वीक, पूरे हफ्ते जो हैं अनेकों प्रकार के गलत कार्य करते हैं, कुकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और बाद में एक दिन चर्च में जाकर के भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं, हे भगवान मैंने जो भी पाप कर्म किए हैं कृपा करके क्षमा कर दो। अब भगवान तो दयालु हैं, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान माफ़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमारे साथ में, ये हमें समझना है। क्या भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तुम पाप कर्म करते रहो और मंदिर में आकर के जो है ये कहते रहो कि भगवान मुझे माफ़ कर दो। पिताजी भी जो है कितनी बार माफ़ करता है, एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, जब देखेगा कि ये तो नालायक है तब पिताजी क्यों माफ करेगा। तो ये हमें जो है समझना है, दीक्षा ग्रहण करने के बाद में हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, लेकिन आगे हमें सतर्क रहना है कि मैं पाप कर्म ना करूं। तो पाप कर्म अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, अपने जीवन में भी मैं पीड़ा ले रहा हूं और जिस प्रमाणिक गुरु से मैंने दीक्षा ग्रहण की है, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी गुरु की है, तो गुरु भी मेरे पाप कर्म के भागी उनको बनना पड़ता है। ये हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि मैं दीक्षा ग्रहण करने के बाद अगर चार नियमों का पालन नहीं करता हूं
भगवान की भक्ति के जो नियम बताए गए हैं उसका अगर मैं पालन नहीं करता हूँ, पाप कर्म में अगर मैं लगता हूँ, तो मैं तो सफ़र करूँगा, मैं तो कष्ट भोगूँगा, और मेरे कष्टों के भागीदार मेरे गुरु को भी बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की जिम्मेदारी ग्रहण की है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गुरु, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, उनके लिए भी एक सलाह दी है कि गुरु को भी बहुत सारे इस प्रकार के अयोग्य शिक्षक, अयोग्य शिष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग भक्ति के मार्ग पर निष्ठावान नहीं है, सीरियस नहीं है, उन प्रकार के लोगों को दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपने अनुयायी बढ़ाने हैं, अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, इसलिए जो भी आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, केवल तुम मुझे जो है डोनेशन देते रहो और बस सब चलता रहेगा। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, ये बहुत सीरियस कार्यक्रम है। तो गुरु को भी सावधान रहना चाहिए कि जो लोग निष्ठावान नहीं है, सीरियस नहीं है भगवान की भक्ति में, उन लोगों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। और शिष्य को भी सतर्क रहना चाहिए कि मैंने अगर प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण की है तो मैं उनके दिए हुए नियमों का पालन करूं, उसको तोड़ू ना, अनेकों प्रकार के पाप कर्म ना करूं, क्योंकि मैं भी कष्ट भोगूंगा और गुरु को भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो और आगे अब क्या महत्वपूर्ण निर्देश पृथु महाराज देते हैं, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।